घर में आए दिन होता है कलेश। जब भी खाना खाने बैठते हैं झगड़ा होने लग जाता है। जब भी घर में कोई पूजा होती है तो एक सदस्य दूसरे सदस्य से लड़ने लग जाता है। जब भी किसी शादी समारोह में जाते हैं तो मनमुटाव हो जाता है। घर में कोई भी मेहमान आता है तो आशीर्वाद देके नहीं जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों घर में क्लेश मचता है? क्यों होती हैं ऐसी परेशानियाँ? आज के वीडियो में यही बताने का प्रयास कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपका बहुत स्वागत करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी अच्छी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। ज्योतिषीय परामर्श लीजिए, कुंडली परामर्श चार्जेबल है। आप रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी हमसे करवा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। घर में क्लेश होने का सबसे प्रमुख कारण जो है वो है पितृदोष। पितृदोष को दूर करने के प्रयास करिए। कुछ भी नहीं मालूम कि पितृ कौन है तो अमावस्या के दिन गरीबों को खाना खिलाइए, इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। इसके अलावा अमावस्या के दिन पूरे घर की वैसे ही सफाई करें जैसे दिवाली पर करते हैं। बहुत ज़्यादा ना करें लेकिन लगभग वैसी सफाई करें, एक एक चीज़ को साफ करें तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। घर में नमक लगे पानी से पोछा लगाएं, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। घर के हर कमरे में एक कांच के बाउल में फिटकरी भरकर रखें। घर में बृहस्पतिवार को लोबान की धुनी देवें और शनिवार को गूगल की धुनी रेगुलरली दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। घर में जब भी दीपक जलाएं उसके अंदर एक तेज पत्ते का टुकड़ा, एक लौंग और एक बड़ी इलायची डाल दें, इससे बहुत ज़्यादा आपको फर्क पड़ेगा। मैंने अदरक पर भी एक वीडियो बनाया है तो अदरक वाला जो प्रयोग है वो भी आप करिए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। घर के सदस्यों में मनमुटाव तब होता है जब नकारात्मक चिंतन हो, तो क्षमाशील बनिए। घर के किसी सदस्य से कोई गलती हुई है तो बदला लेने की भावना बिल्कुल मत रखिए। ये याद रखिए कि अगर आपके घर में बिखराव हो गया तो आप दुनिया की कोई जंग नहीं जीत सकते। दुनिया का हर आदमी आप पर हावी रहेगा, तो हर किसी से आप थोड़ा झुक जाइए। झुक जाएंगे ना तो पूरी दुनिया में आप एक विजेता की तरह जीवन जी पाएंगे। नहीं तो आपके घर की बुराई अगर बाहर करेंगे, घर में झगड़े करेंगे ना, तो बाहर के लोग आप पर हावी होंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपके घर बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा, समझो आप। तो ये मैं आपको बहुत बड़ी सीख और सलाह दे रही हूँ कि घर में झगड़े हो रहे हैं तो घर की बात को घर में ही ख़त्म करो, बाहर उसका ढिंडोरा बिल्कुल भी मत पीटो। और कोशिश ये करो कि एक आदमी अगर जुबान लड़ाने वाला है तो आप साइड में हो जाओ, एक गिलास पानी पी लो, प्राणायाम करने लग जाओ, चुप हो जाओ, मौन व्रत धारण कर लो। एक चुप सारे संकटों को हर लेती है। तो घर का कोई सदस्य ज़्यादा बोलने वाला है, झगड़ालू है, गुस्सैल है, तो उसको प्यार से टकल करो, ना कि बहस करने से। बहस बेवकूफ़ लोग करते हैं और बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो इसलिए घर में क्लेश और मन मुटाव को ख़त्म करने के लिए पितृदेव को मनाएं, अपने कुल देवता की पूजा करें। कोई प्रसादी बोली थी और भूल गए हैं तो उसको अर्पित करें। गरीबों की सेवा करें, जिनके पास भोजन वस्त्र नहीं है उनकी सहायता करें। ऐसा करने से आपका घर हर संकट से बचा रहेगा। इसके अलावा घर का ईशान कोण हल्का रखें। घर का उत्तर पूरब कोना होता है आपका ईशान कोण, और वो जल वहाँ पर रख सकते हो, पूजा स्थान वहाँ पर बना सकते हो। शादीशुदा जोड़े को कभी भी ईशान कोण में ना सुलाएं। अगर वहाँ सुलाते हैं तो भी उनके बीच झगड़े और कष्ट चालू हो जाते हैं। घर की उत्तर दिशा हल्की रखें, दक्षिण दिशा भारी रखें। दक्षिण दिशा में लाल रंग की कोई चीज़ रखें। ऐसा करने से कष्ट कम होते हैं और भाग्योदय होता है। कुल मिलाकर घर का पूरब और उत्तर का हिस्सा हल्का और दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा थोड़ा भारी करके रखेंगे ना तो आपके घर में कलह बिल्कुल भी नहीं होगा।